नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। जो भी दोस्त नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो मित्रगण पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है, समर ओलंपिक का टोक्यो में भारत के लिए। भारत ने जहां आज दो मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में जिताया, और वहीं अपनी इंडियन मेंस हॉकी ने जबरदस्त वापसी की है। 41 साल बाद उनने जोरदार वापसी करते हुए समर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसकी विशेष खासियत यह है कि इसमें जो हारने वाली टीम है वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी, वो चार बार गोल्ड मेडल विनिंग टीम जर्मनी, जिसको कि भारत ने हराया है। तो ये एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक जीत है भारत की। इवन दाओ वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, बट इट इज ए बिग बिग विन फॉर द इंडिया। जितने भी पुराने अपने जो प्लेयर्स हैं वो इसको बहुत ही ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं भारतीय हॉकी टीम को। उनने ये कारनामा 41 साल के बाद दोहराया, जहां हमें पहली बार 1980 में कोई मेडल मिला था ओलंपिक में, उसके बाद ये दूसरा मेडल है जिसमें भारतीय हॉकी ने एक ऐतिहासिक जीत दायर की है। तो अगर देखा जाए कि ये कैसे किया, तो भारत ने जर्मनी को पार्टिकुलरली ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में 5-3 से हराया। आप देखते हैं 5-3 का गैप, जो दो जो उसमें गोल का कंट्रीब्यूशन है वो उसका नाम जाता है सिमरनजीत सिंह, उनके दो गोल की बदौलत भारत ने दो बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पे अपना दावेदारी कायम की। और इस तरह हमारे भारत की टोटल टैली 3 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर के साथ 5 पर पहुंच सकी है। तो अभी तक हम 5 मेडल जीत चुके हैं। आने वाले समय में आई होप दैट हम अपनी डबल डिजिट टैली को अचीव करेंगे। तो ये बहुत ही सुखद खबर है, जहां की अपने भारत जैसे देश में अपना भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल गेम है वो हॉकी है, उसको उतना प्रमोशन नहीं मिलता जितना हम क्रिकेट को देते हैं, बट हॉकी ने आज वो कर दिखाया। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को, इवन दाओ कैसी भी फैसिलिटी से खेलते हुए। तो इट इज अ वेरी बिग हिस्टोरिकल डे फॉर द इंडिया कि आज हमें दो मेडल मिले, 1 सिल्वर अनदर इज ब्रॉन्ज। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।